मैंने कॉल की थी डायरेक्टर भी, मैंने काफी डांट लगाई, मैंने कहा मर्द एक जैसे चले जाएं बाढ़ में। फैसलाबाद में हुई अनोखी शादी जिसमें हुंजा का कद 3 फुट और बाबर का कद 5 फुट है। बाबर बिल्कुल सेहतयाब और हुंजा एक स्पेशल पर्सन है। ये शादी कैसे मुमकिन हुई जानिए इस वीडियो में। दिल दिया लगिया जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना, कमलानी मेरा ढोलन माही, कमलानी मेरा ढोलन माही। हुंजा ये बताएं कि मतलब किसने पहले पहल किसने की थी शादी के लिए? बाबर ने पहले पहल की थी क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री होते थे तो सऊदीया में। आउट ऑफ कंट्री होते थे फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मैसेज कर दिया। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए मैसेज नहीं किया ना, कॉल की थी डायरेक्टर भी, मैंने काफ़ी डांट लगाई, मैंने कहा मर्द एक जैसे चले जाएं बाढ़ में बड़ो पांडे जी घर माँ भैन नहीं है एडा तू आया मैंने ब्याह करने ला। ऐसे ही कहा था मैंने। तो फिर आपने आगे से क्या कहा था? साडे घर मैं भैन है वे बीबी सिर्फ तेरी कमी है तू जेती जेती आ। नहीं मैंने तो इनको कहा भी आप जो भी कहना कह ले कोई बात नहीं लेकिन मेरी बात मुकम्मल सुने। हाँ। तो फिर आगे मुझे जवाब दें। एडे तुसी कारी साहब मेरी बात मुकम्मल सुने तो फिर आप इन्होंने क्या कहा, आपने कैसे बात शुरू की? बात यही पे स्टार्टिंग हुई है, मैंने इनको दोस्ती पे प्रपोज किया। अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा नहीं जी मैं इन बातों पे। अच्छा, इंग्लिश यकीन करो आपके मुंह से नहीं जाती। प्रपोज किया यार पंजाबी बोले नहीं पंजाबी भी बोले उर्दू भी बोले इंग्लिश भी बोले लेकिन प्रपोज किया ये नहीं सही लगा मुझे कसम। इन्होंने मुझे प्रपोज किया मुझसे शादी करोगी, मैं कहा जाओ जाके किसी और को बोलो मुझे की बोले जाके थे और जाके मुंह मार मैं तो खुद ही लगनी है मुझे तो लगता तुम इतने शदीद को हो तुम्हें तो खुसरा भी मुंह नहीं लगाता होगा मैं बोली थी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर आगे इनके साथ दोस्ती होगी मेरी तकरीबन। अच्छा। एक माह तक की गोली पिल्ला खेलने वाली दोस्ती होगी। अखरोट खेल दे सो कैंचे खेल दे सो मतलब की कली जोटा खेल दे सो? कली जोटा भी नहीं खेल दे सी, दोस्ती प्यार मोहब्बत चाहत आली। अच्छा ठीक है। एक माह तो तकरीबन इन्होंने मैंनु बड़ा तंग किया। एक महीना कह लो। अच्छा एक महीने तो बड़ा मैंने उन्होंने तंग किया। हाँ। नहीं मेरी गल सुनी अखीर इन्होंने मेरी गल सुनी है। अच्छा। इन्होंने इस गल नू थोड़ा जा क्या चलो मैं सोच के फिर आपने वो गाना सुनाया होगा ना इनको ढोलना ढोलना गल सुन गल सुन। गाना तो मैंने कोई नहीं सुनाया था इनको। अच्छा जी है। इन्होंने आपको ख्वाब तो नहीं दिखाया कि जान में आपकी खातर आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, जान में आपकी खातर वो छीमा तंदूर वाले के तंदूर में हाथ डाल के आपके लिए तंदूर में कुलचा छीन के ले आऊँगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था, ख्वाब वगैरह नहीं सुनाए थे। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा और यहाँ पर ये मतलब टाइम पास के लिए रक्षा चलाते थे बेसिकली, मतलब इनका ये काम नहीं है। अच्छा। टाइम पास के लिए मतलब आते थे ना 3 महीनों की छुट्टियों में तो टाइम पास के लिए, जस्ट टाइम पास के लिए। और मैं इनकी कस्टमर थी तो ये कोई भी मतलब किसी सवारी को नहीं लेके जाते, मैं वहाँ ही बैठी हूँ। माय गॉड दे गिटे ब्रदर है ही क्यों? बस ये किस्मत में थी मेरे। किस्मत में जो नहीं था हमको मिला वो मिल गया अच्छा ये बात बताएं हुंजा, अब अपनी शादी पे रो क्यों रही थी और बड़े क्यूट से तरीके से? मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले तो हमारी शादी बड़ी दो बातें बताएं मुझे नहीं पता एक नहीं मैंने सुनी दो बताती हूँ। हमारी शादी बड़ी मुश्किलों से हुई है तो क्योंकि इन्होंने सबको मनाया, 2 महीने लगे मनाने में। मेरे पापा ने एक शर्त रखी थी कि घर जवाई बनना है। अच्छा। तो मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं थी। मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, मतलब मैं चाहती थी चलो उनका भी थोड़ा बाहर हल्का हो जाए। मैं मतलब हम दो बहन भी चल नहीं सकते ना, तो एक मतलब उधर रह जाए एक इधर रह जाए। तो मैंने कहा नहीं डबल डबल नहीं। और फिर सबके सामने से कवर अप करना संभालना ये चीज़ें वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप देखें ना हम ऊपर हैं सेपरेट है तो जैसे मर्जी हम रहते हैं जैसे मर्जी कर रहे हैं मतलब ईजी हैं। तो फिर उसके बाद आपने कैसा एक सवाल किया? एक सवाल यही तो किया था, दूसरा सवाल मैंने ये किया। रोई क्यों थी? हाँ। रोई इसलिए थी क्योंकि मैं मामा पापा को छोड़ने का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं कभी इन तीनों से दूर हुई नहीं, मामा पापा और तैयब से कभी भी ऐसा ये टाइम आया ही नहीं कि मैं इनसे दूर हो जाऊँ। तो मतलब मुझे रोना ही जा रहा था कि मैं अपनी मामा को छोड़ के कैसे जाऊँ। अभी भी आंसू आ रहे हैं मैं अपनी मामा
के इर्द गिर्द ही रहती थी और तैयब के इर्द गिर्द, मतलब यही मेरी दुनिया थी। अब मेरी ये दुनिया निकी सारी दुनिया सी पहले भी, तो हूँ बड़ी दुनिया, हूँ बड़ी दुनिया हुई है अब बड़ी दुनिया। अच्छा ये बताएं भाईजान, मुझे आपको जरा सा भी तरस नहीं आ रहा, मतलब छोटी सी नन्नी मुन्नी सी कैली है और आप उनसे घर के काम शाम भी करवाते? मुझे पता लगा है, मल्लेदारों ने बताया मुझे। नहीं नहीं, काम नहीं करवाते माशाल्लाह, मेरे काम भी खुद करते हैं और अपने भी खुद करते हैं, मतलब इनके कोई ये नहीं आता कि नहीं करूँगा नहीं, अल्लाह ताला ऐसा कभी लाए भी ना। और जैसा हस्बैंड चाहती थी ना, ये उससे डबल 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 अच्छे हैं। पाक ऐसे ही रखिए और हमेशा खुश रहें। अच्छा अदनान के अबू, ओहो यार अल्लाह देगा, इंशाल्लाह देगा। अच्छा अदनान के अबू मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में क्या सोचा हुआ? फ्यूचर में अच्छा ही सोचा है इंशाल्लाह, जो ज़िंदगी अच्छी गुजरे। फर्नीचर में नहीं मैं कह रहा, फर्नीचर में तो आपने कपड़े जोड़े हुए हैं। जी जी, तो अच्छा ही इंशाल्लाह होगा। जो क्या करना है मजीद आगे, क्या करना है आगे? तरक्की करनी है, बढ़ना है। तरक्की की करनी हो वो सोशल मीडिया तो एक अपनी जगह पे है, इनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, तो इनके साथ प्यार में बसे रहूं जितना भी हो सके। अच्छा ये मरीद हो गया हूँ अब। ओह माय गॉड, लोग पीरों के पास जाते हैं, ये फलां पीर के मरीद हैं, फलां क्या, मैं इनका मरीद हूँ। की दादू कीता जी, मैंने बस ऐसे किया इनको फू मैंने बस इनको किया फू और ये आऊ ये आऊ ही हो गए। ये मैं आपको बताता हूँ, जो इन्होंने दम किया था ना, वो मुझे इनके मोहल्ले के एक बाबे ने सिखा के भेजा है। इन्होंने कहा था चटापन चोर चपन चटापन चूम चढ़ा चूम चढ़ाक आ ए दागिड़दा 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 गर्दिनता आ जानी आ गया। अच्छा ये बताएं कि इनके लिए तो चलो एक बड़ी खुशी की बात है और बड़ी एक मतलब अनोखी बात है कि मतलब इनकी शादी हुई, आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, अनोखी बात है। रिश्तेदारों ने, मोहल्लेदारों ने, इर्द गिर्द वालों ने और दोस्तों ने ये नहीं कहा कि यार तू अच्छा भला है, तू तुझे तो मतलब लाइक लड़की मिल भी सकती है, तो फिर क्यों हमजा के साथ ही क्यों शादी कर रहा है? नहीं, मैंने पहली बात ना किसी रिश्तेदार से पूछा ना किसी, सिर्फ अपनी माँ से पूछा है। उन्होंने यही बोला बेटा ज़िंदगी आपने गुजारनी है, जैसे आप बेहतर समझो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो बगाया जाए पहाड़ में, तो हमने अपनी माँ के पीछे खड़ा हूँ, मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है, तो मैंने शादी कर ली। ना मेरे भाई ने, किसी बहन ने, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, किया होगा लेकिन मुझे कोई नहीं कहता, उनको पता उल्टी सुननी पड़ेंगी। मैसेज आ रहे हैं आपको कि लोग फ़ख्र कर रहे हैं इनके ऊपर। अच्छा, हाँ जी, इनको मैसेज आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें ट्रेंडिंग पे लेके जाएं। हमने आपको अपनी गड्डी पे बिठा लिया हुआ, टेंशन ना ले। ये जितने व्यूवर्स देख रहे हैं ना, बड़ा प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी वीडियो को इंशाल्लाह शेयर करेंगे ये दूसरों में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें, ये हमारे लिए। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? चलो बताओ जी। हमजा बतूल व्लॉग। हमजा बतूल व्लॉग। मैंने आज तक कभी किसी की प्रमोशन नहीं की, कभी किसी के बारे में नहीं कहा, लेकिन हमजा बतूल व्लॉग को भाईजान जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टल्ली के ऊपर उंगली मार के जरूर खड़काएं ताकि इनकी रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। यही है, यही करना है, टन टन करना है, टन टन करना भाई जी। आपने और कुछ करे ना करे, टन टन लाजमी करना। खाना कौन बनाता है? मेरी सासू माँ। सासू माँ बनाती है? हाँ जी। तो मजे का बनाती है? बहुत मजे का, बहुत ही मजा आ रहा है, तीन चार दिन हो गए। अच्छा, हाँ जी। वेलियां खाने को लगती है, अभी ये तीन चार दिन हो गए, बहुत मजा आ रहा है। नहीं, बहुत मजे का बनाती हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा प्यार करती हैं, माथे पे बोसा करती हैं, नंदे बहुत ख्याल कर रही हैं, नंद ने तैयार किया है। हाँ जी, क्या बात है यार, माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, प्यारी भी हैं, ऊपर से नंदा आके जो वो तैयार करती हैं। ओ सासनू वाली लड़ाई का तो शुरू होनी भला, वो इंशाल्लाह ना ही हो तो अच्छी बात है। ले आऊँ इनको? अच्छा, उनको नीचे रख लिया। चलो अल्लाह पाक बेहतर ही करे। अच्छा एक और चीज़ बताएं, अब कर क्या रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? मैं सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, अरसा दराज से जी, तो इधर अभी आया हूँ 6 माह की छुट्टी के लिए, अभी तो कुछ नहीं कर रहा फिलहाल फारग। तो अभी जब ये वापस जाएंगे फिर कैसे दिल लगेगा? मुझे गागे का चोची शे बेबी का। इतना रोए मैं आपसे ज्यादा रो पड़ूंगी। दिल लगेगा फिर इनको बोलूंगी मुझे लेके जाए। साथ लेके जाओगे? या साथ लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा बस। आप पता क्या करना, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप एक बड़ा सा चोला सिलवाना, उसकी उसमें बड़ी सी जेब लगवाना, ठीक है, उसमें इनको डालना और ले, ठीक है।
ठीक है, जब वो कहेंगे ना आप उसमें डालना उसको अच्छी तरह गुठली बना के अपनी शोल्डर पर रखना लेके जाना यार कितनी देर से कसम से। अच्छा हुंजा आप, मैंने सुना है कि सोशल मीडिया से अर्निंग भी करती हैं, पैसे किसे कमा लेती हैं? नहीं सोशल मीडिया से मैंने अभी तक कोई अर्निंग नहीं की, मैंने वीगो पे काम किया था, काफ़ी अर्सा किया मैंने वहाँ पर काम, तो मैं वहाँ पर अच्छी अर्निंग कर रही थी। उसके बाद मतलब मैं शादी से पहले नीट पर्सन रह चुकी हूँ, तो वहाँ पर मतलब रह चुकी हूँ कि मतलब ये मेरा हक भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं जारी बात है मैं अपने वालदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती, तो मैं इनके ऊपर भी बनना नहीं चाहती। तो अगर अल्लाह तआला ने कोई हिले वसीले बनाया तो मुझे नहीं इसमें कोई शर्म आती ना ही कुछ हो। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मतलब अर्न करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से कमाऊँ, खुद आगे बढ़ूँ, और अल्लाह ताला मुझे तरक्कियों पे ले जाए, मैं घर लूँ, गाड़ी लूँ, और जिधर मर्जी घूमती रहूँ, घर लूँ, गाड़ी लूँ, फिर मैं बीच में गाना लगाऊँ और गड्डी शाडी बैठ जा निजटिए गड्डी तू मंगा ले पेट्रोल मैं पवानी वो कुड़ी नहीं लभ रही जी गल कहती होंगी सी यार कहती मैं कहती हूँ अब ना कहना अब पेट्रोल बड़ा महंगा हो। नहीं मैं किसी के लिए नहीं कह रही, मैं अपनी गाड़ी के लिए कह रही हूँ यार अपनी गाड़ी के लिए कह रही हूँ। अच्छा भाई जान एक और बात बताएं कि आपको इनकी सबसे अच्छी अदा कौन सी लगती है? ये वफादार है। अच्छा जी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं इससे ऊपर छाता है वो, देखो माशाल्लाह गाडरों वाली है। मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी ना इसके अंदर वफादारी लगी है, क्योंकि 5 साल से मेरा इनका रिलेशन था। अच्छा, तो उसमें मैंने इसके अंदर वफादारी के अलावा बहुत कुछ देखा, लेकिन मेन चीज़ इनकी यही है। तो माशाल्लाह खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रखती है। तो भाई तुम सीरियस ही रहते हो? नहीं मैं सीरियस नहीं रहना, लेकिन आईसीयू च बैग में थोड़ा इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब ये अच्छी लगती हैं, ये प्यारी लगती हैं, मतलब थोड़ा जहा हंसो भी तो सही मुझे आज... कैसे करें ऐसे करें ना जैसे आप कर रही हो ऐसे इनको भी करना चाहिए थोड़ा बहुत ये नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब वो ठंडे मिजाज के हैं, ठंडे मिजाज के इनको चूल्हे के ऊपर रखे हो नहीं चूल्हे पे नहीं रखना, ये मैं किसके पास जाऊंगी, तो जल जाएंगे। नहीं अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गर्म हो जाएंगी ना फिर। गर्म हो गए तो फिर बहुत गर्म हो जाएंगे यार कसम से बड़ा मजा आ रहा है यकीन करें। अच्छा मैं फैसलाबाद है जी, फैसलाबाद की सुगात दे ना मुझे कोई। किस तरह की जुगत मारे ना कोई? कितना मुँह अच्छा सलूके चे टपाई होंगी है सलूके की वैसे जेब बड़ी होंगी। हाँ जी पहले सलूके ही चलते थे ना। कैसा तुम्हारा मुँह है उसे सलूके की जेब टूटी होंगी एक जुगत मारी है लोटे में पता नहीं क्या कहते क्या बताएं लोटे जो जेन निकला होता लोटे में से भैंस निकली है यार मुझे मतलब बैठाने आए वॉशरूम में बैठे हुए थे जेन आ गया जेन कहता क्या हो कम मेरे आका कहते मेनू धो दे काम चेक कर लो फिर बाद में पता क्या कहते हैं कि मैं सही बंदा हूँ जी जी। अच्छा यार मैं माइक इनके आगे करता हूँ, आगे कहते जी सवाल दो सौ पचास यार और क्या सवाल करो कुछ जुगत जुगत जुगते नहीं इतनी आती क्योंकि मैं इनकम आती है हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमाते हैं तो आती है। बड़े लोग ना सवाल कर रहे हैं इनकी दूसरी शादी है मेरे साथ, इनकी दूसरी शादी है, इनको कोई और नहीं मिला, यही मिली है, ऐसे है वैसे है, दिल लाए तो गधी पे भी आ जाता है कहते नहीं आप गधी नहीं हो आप बड़ी प्यारी चीज है ऐसे नहीं कहते गधी कि दिल लाए तो गधी पे भी आ जाता है लेकिन परी भी क्या चीज़ है। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं ना बातें तो इन लोगों ने करनी ही करी जाए, लेकिन ये कहना चाहती हूँ इनकी फर्स्ट ही शादी है, सेकंड नहीं है, मेरी भी फर्स्ट ही है, तो मेरा तो सबको पता ही है क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोशल मीडिया। आप पहले भी स्ट्रॉन्ग थी अब भी स्ट्रॉन्ग हो और रहूँगी स्ट्रॉन्ग। इधर इधर थोड़ा सा इसको ऊपर करो इधर इधर छड़ दे रहो छड़ दे रहो छड़ दे रहो छड़ दे रहो